मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि 4 बार सांसद रहे लेकिन जनता के मतों से नहीं रहे, बराबर उन्होंने बूथ कब्जा किया और बूथ कब्जा करके सांसद बनते रहे। 2009 से उनका परिवार लगातार 3 बार चुनाव हारा है और 34 बार ऐतिहासिक हार के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। पूरी में कहावत बा कि सीरा हुए है पूछिए रंग बोले बा, तो सिवान की जनता जान चुकी है और उस पुराने दौर को सिवान की जनता वापस नहीं आने देगी, यही सच्चाई। हमने देखा कि चाहे दुरौंदा विधानसभा हो, सिवान विधानसभा हो, बड़हरिया विधानसभा हो, रघुनाथपुर विधानसभा हो, जीरादेई हो और दरौली विधानसभा हो, हर जगह समाज के सभी तबकों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का और अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से का, जिन्होंने नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, बड़े पैमाने पर जन समर्थन है। यहाँ किसी से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है और इस बार विजय लक्ष्मी देवी जी जो NDA की उम्मीदवार हैं, जनता दल यू के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। मोदी जी आए थे, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी और सिवान जिले के, सिवान लोकसभा के हर गांव के, हर पंचायत के लोगों की भागीदारी हुई थी। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग मुगालते में थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, बड़ी मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए गलत सलत प्रचार किया जा रहा था, लेकिन सारे प्रचार की आज हवा निकल गई है और वे लोग लड़ाई में नहीं है कहीं कोई, वे लोग बल्कि आपस में, चाहे कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो या कोई लालटेन लेकर के लड़ रहा हो, उन दोनों के बीच आपस में प्रतियोगिता है कि कौन दूसरे नंबर पर रहेगा और कौन तीसरे नंबर पर रहेगा, और जो दूसरे नंबर पर भी जो रहेगा वो कम से कम 2 से 2.5 लाख मतों से पीछे रहेगा, सिवान की जनता ने सुनिश्चित कर लिया। यह वोट जो मिल रहा है वो मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, चिराग पासवान के नाम पर, जीतन राम मांझी के नाम पर मिल रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान का जब तक ले नीतीश कुमार हैं, मोदी जी हैं, चिराग पासवान ने कहा जब तक ले चिराग पासवान है संविधान पर खतरा नहीं है, बल्कि इन विपक्षी दलों के अपने वजूद पर खतरा है। भाइयों, कुछ लोगों ने बहुत ये किया, लेकिन आप सभी जानते हैं, सिवान के इतिहास को जानते हैं कि सिवान में कभी भी मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि 4 बार सांसद रहे लेकिन जनता के मतों से नहीं रहे, बराबर उन्होंने बूथ कब्जा किया और बूथ कब्जा करके सांसद बनते रहे, लेकिन जैसे ही बूथ कब्जा का जमाना गया, 2009 से उनका परिवार लगातार 3 बार चुनाव हारा है और 34 बार ऐतिहासिक हार के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। उन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी छवि को एक नए ढंग से गढ़ने की कोशिश की, उन्होंने भगवा तक धारण कर लिया, चुनरी तक पहना, लेकिन यहाँ की सिवान की जनता सब इस बात को जानती है। एक भोजपुरी में कहावत बा कि सीरा हुए है पूछिए रंग बोले बा, तो सिवान की जनता जान चुकी है और उस पुराने दौर को सिवान की जनता वापस नहीं आने देगी, यही सच्चाई है। उस आतंक राज को, उस खौफनाक मंजर को यहाँ के व्यवसायियों ने झेला है, ओमकार मल जैसे लोगों ने शहादत दी है, रामाकांत पाठक जी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है उनके बेटे की हत्या कर दी गई झंडा लगाने के लिए, भाजपा के पक्ष में बोलने के लिए, यहाँ पर वकील पटेल की हत्या हो गई, यहाँ पर सुरेंद्र पटेल की हत्या हो गई, यहाँ पर राजदेव रंजन जो यादव समाज से आते थे, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ थे, उनकी हत्या कर दी गई। क्या वही खौफनाक मंजर सिवान की जनता लाएगी? मुझे उम्मीद है सिवान के अमन पसंद लोग, यहाँ के न्याय पसंद लोग कभी भी सिवान को उस पुराने दौर में नहीं जाने देंगे। सिवान में शांति के लिए, अमन के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए यहाँ पर NDA प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी को चुनाव जिताएंगे। सिवान के लोग
उन पुराने दौर को जब याद करते हैं, भले युवा पीढ़ी को मालूम हो या ना हो, जिनकी उम्र 20 वर्ष की है, 22 वर्ष की है, लेकिन वे जो पुराने दौर के लोग जिनकी उम्र कम से कम 40 है, वो तो बिल्कुल उस दौर को आने देने